बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित शहर में और यहाँ पर एक शोरा का प्रोग्राम चल रहा है। जो नए शोरा हैं वो अपने अपने कलाम पेश कर रहे हैं, जो नए गुलकार हैं वो भी जो है अपने आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं ये बड़े ही नामवर इस गिलगित बस्तान के शोरा हैं, सीनियर शोरा में इनका शुमार है। हम इनसे जानते हैं कि शायर जो लोग होते हैं वो किसी भी कौम की तकदीर बदलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप किस किस्म की शायरी करते हैं, इनकलाबी शायरी करते हैं या किसी और मौजू पर बात करते हैं? इम्तियाज़ साहब और दिगर जो अहबाब हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा थोड़ा आप तारफ खुद ही करा दें नाज़रीन को। इम्तियाज़ हुसैन शेख़ी, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और 1992-93 से इस फील्ड के साथ मैं मुंसलिक हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में जितने शोरा कराम हैं इनका एक अलमिया ये है कि ये विदाउट गवर्नमेंट स्पॉन्सर या गवर्नमेंट सपोर्ट, ये अपनी मदद आप अपना ये फील्ड पे तवज्जो देते हैं, इस चीज़ को चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे इधर काफ़ी टाइप के शोरा हैं, कुछ कौमी शोरा भी हैं, कुछ ऐसे जो रोमांटिक जो शेर व शायरी करते हैं, सरकारी भी होंगे, सरकारी भी है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, गिलगित बल्तिस्तान में शोरा और फनकारों के लिए ऐसा कोई मौसर निज़ाम नहीं है, यहाँ कोई ऐसा सेटअप नहीं है। जैसे कि आप डाउन में या इधर उधर आप देखते हैं कि इनके लिए ऑडिटोरियम बना होता है, कोई एकेडमी होती है, कोई असातिज़ा होते हैं इनको सिखाने के लिए। यहाँ जो शोरा हजरात होते हैं और गुलकार या म्यूजिशन हजरात जो होते हैं वो एक दूसरे से सीखते हुए एक सिलसिला चलाते हैं। हमारी फोकस, मैं तकरीबन 30 साल से मैं इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। हम अपनी शायरी के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए, हमारा इधर मेन इशू अमन का है, अमन का है। आपको पता है यहाँ 1988 से अब तक जो हालात चले आ रहे हैं, ये मजहबी इश्यूज, ये फिरकवाराना इश्यूज, हमारा फोकस ये होता है कि इस किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं इनके ज़रिए लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के अमन का दरस, भाईचारे का दरस देते हैं। हमारी जो शेर व शायरी है, हमारी जो ज़बान है, वो ऑल ओवर गिलगित बल्तिस्तान में शना एक बड़ी लैंग्वेज समझी जाती है। तकरीबन हमारे जो शोरा हैं वो शना लैंग्वेज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं गिलगित में, और बल्तिस्तान के जो शोरा हैं वो बल्ती लैंग्वेज में होते हैं। यहाँ के जो हमारे जो कौमी जो शायर हैं, ऐसे भी शायर हैं जिन्होंने कौम को इकट्ठा करने में, कौम को शऊर देने में इनका एक बड़ा किरदार रहा है। आज कल हमारी जो शेर व शायरी, हमारी जो म्यूज़िक है वो थोड़ी मादूम होती चली जा रही है, क्योंकि इधर उधर से टूरिज़्म भी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा आ रही है और इधर दूसरे कल्चर भी यहाँ आके हमारे कल्चर के ऊपर मिक्स हो रहे हैं, और यहाँ कोई प्रॉपर एकेडमी ना होने की वजह से इधर उधर की म्यूज़िक आके हमारे म्यूज़िक में मुदाखलत करती है और हमारे म्यूज़िक का होलिया ही बिगड़ जाता है। और अरसा 5-6 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि पश्तून म्यूज़िक हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि हम अपने कल्चर को बचाएं, हम अपने म्यूज़िक को बचाएं, और हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ एक और शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ सर करा। मेरा नाम साबिर मोहम्मद शिटुक है और मैं 1992 से इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। अच्छा सर, आप इतने सारे यहाँ पर शोरा हैं, कोई अपनी ज़ाती अकेडमी नहीं बनाई हुई है? जिससे इसके बारे में शेखी साहब ने बड़ी तफसील से आपको बता दिया कि यहाँ कोई एक ऐसी अकेडमी नहीं है। अपनी जो अपनी जाती होती है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ नहीं कोई शोरा की अपनी काविश की वजह से। ये बदवक्ती यहाँ पर यह है कि हमारे शायर सारे तकरीबन गरीब गुरबा हजरात हैं जो शायरी करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर का वो अफोर्ड करते हैं घर को, तो एक म्यूज़िक बड़ी एक फील्ड है, इसके लिए बड़ा खर्चा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। तो यहाँ गवर्नमेंट ये चीज़ गवर्नमेंट लेवल पर होनी चाहिए, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, लेकिन इस फन को और इस सकाफत को हम अपने मदाब प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे साथ तो एक और शायर हैं, साबर साहब शायद आपका नाम है सर, तालिब हुसैन साहब। तालिब हुसैन साहब, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर शोरा पाए जाते हैं,
बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हाईलाइट नहीं होते हैं, तो शोरा जो हैं वो अपने कलाम से कौम को जगाते हैं, क्या आप इस तरह के कलाम पढ़ते हैं? बिल्कुल भी सर, मैं कौमी इनकलाबी और इश्किया तो हर किस्म की शायरी मैंने की है, तो कौमी नगमे भी गाए हैं, इनकलाबी नगमे भी मैंने गाए हैं, तो अब भी कर रहा हूँ, लिखता भी खुद हूँ गाता भी खुद हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर हम रियासत के खिलाफ हम जाएंगे तो हद से बढ़ के आगे उसके सिस्टम के खिलाफ हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर कानून लागू होगी, तो हम उसका भी ख्याल रख के हम लिखते हैं पढ़ते हैं गाते भी हैं। सर आपने ये जगह प्रोवाइड की है, सब ने आपके लिए कहा कि बहुत अच्छा खूब है, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम उनको उठाने चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेरा नाम फाद अहमद मीर है जी और मीर शादी हॉल और रेस्टोरेंट का मैं ऑनर हूँ। हमारी कोशिश थी जब हम पहले भी होटल चला रहे थे गिलगित के हालात ख़राब होने से पहले, तब भी हम इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते थे और इस तरह का मतलब हम माहौल हमारा शुरू से रहा है, तो बहुत ज़रूरी है ये गिलगित के अमन के लिए और गिलगित के एक माहौल को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ऑफिशियल लेवल पे, जैसे आपको बताया भाई ने कि जी लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कि शायरों के पास अपने घर के, क्योंकि ज़ाहरी बात है अपने बीवी बच्चों और अब और अखराजात बहुत हैं और इस तरह के इवेंट करने में अच्छा खासा खर्चा आ जाता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को प्रमोट करें ताकि इससे एक तो हमारा कल्चर प्रमोट होगा, बड़ा खूबसूरत कल्चर है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का, पुरअमन लोग हैं और एक गिलगित का एक जो पुरअमन माहौल अब आप देख रहे हैं जो बना हुआ है ये कायम रहेगा, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे सीनियर शायर बैठे हुए हैं और सीनियर गुलकार फनकार हैं माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करें। बाज़ औक़ात आपको हर चीज़ गवर्नमेंट पे ही इनसार नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों के तआवुन भी इसमें होगा, तो मैं बाकी भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि जो लोग साहिब हैसियत हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें अपना हिस्सा डालें और हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स करें, हम इस तरह के इंशाल्लाह सकाफती प्रोग्राम आपको इंशाल्लाह मजीद भी लाएंगे जिनसे इंशाल्लाह हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एक तो कल्चर प्रमोट होगा और ये जो अमन अमान का एक माहौल है इंशाल्लाह ये कायम होगा, बल्तिस्तान का एक तो कल्चर प्रमोट होगा और ये जो अमन अमान का एक माहौल है इंशाल्लाह ये कायम होगा। अच्छा ये कोई एक आप से हम सवाल करते हैं, सबसे कोई एक जवाब दे दे कि दूसरा तरफ जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर भी बहुत सारे शोरा हैं, कभी उनसे आपका रब्ता रहा है? रज़ा खिता है उस पर भी आप लिखते हैं या बोलते हैं या नहीं? सर गिलगित बल्तिस्तान के मैं खुद सदर रहा हूँ सर आर्ट कौंसिल का, हम यहाँ से लोग विरसे जाते हैं वहाँ, आज़ाद कश्मीर के जो फनकार हैं वहाँ के जो फनकार बरदरी है वो हमारे साथ मिलते हैं और उनके साथ बड़ा अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। सर जहाँ तक आप इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, इश्यूज़ के ऊपर आप क्यों नहीं लिखते हैं या सिस्टम के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं, यहाँ आपको पता है सर कि हम मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और सर्वाइवल करते हैं। जंजीरों को तो फिर शायर अपनी शायरी के जरिए तोड़ेंगे, जंजीरें तोड़ के तो हम शायरी में आ गए, लेकिन अगर हमारी जो पब्लिक है वो अगर समझे तो हम उनको कभी कभार हम कहते रहते हैं कि भाई ये है आपके साथ ये हो रहा है, लेकिन लोगों को शोर दें हम बिल्कुल किरदार, शहर तो आज़ाद है, हम रियासत के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो हम आज तक तो हम नहीं गए हैं, सिस्टम के ख़िलाफ़ हम बोलने की इजाज़त है, हम आज़ाद हैं, हम शायर हैं और शायर तो आज़ाद ही होता है। जहाँ तक लेकिन अगर कहीं खराबी हो तो लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे, किसे बिल्कुल लिखेंगे। हाँ चलें, वो एक और सवाल हमसे करते हैं कि क्योंकि दोनों ये खित्ते हैं, ये असल में आइनी लिहाज से रियासत जम्मू कश्मीर जो 47 से पहले था उसका हिस्सा है, तो क्या वो जॉइंट इस तरह का आप प्रोग्राम करेंगे या कोई जॉइंट अकेडमी आपकी होनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूर, अगर ऐसा कोई मौका मिल गया तो हमें ज़रूर करेंगे, बिल्कुल। क्या पैगाम देना चाहते हैं रियासत के उस तरफ के जो लोग हैं जो शायर हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? तमाम इंसानों को मैं पैगाम दूंगा कि अमन इत्तेफाक इत्तेहाद से रहे, भाईचारगी के उस माहौल में रहे, तो तमाम इंसानों को मेरा यही पैगाम है कि किसी भी बेगुनाह
को कत्ल ना किया जाए, मासूम माएँ बहनों को, बच्चों को, चाहे यहूदी भी क्यों ना हो, तो चाहे सिख ईसाई हिंदू भी क्यों ना हो, तो सारों को अमन के साथ रहना चाहिए, तो किसी को भी नुकसान ना पहुँचाए, दुख ना पहुँचे। नाज़रीन, ये थे गिलगित के मारूफ और सीनियर शायर गुलकार जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि हमारा जो पैगाम है कि अमन का दर्स देना है, और साथ इनका ये कहना है कि हमारा काम ये होता है कि हम शायरी के ज़रिए यहाँ के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं, कौम को जगाते हैं, और ये हम सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार, JK TV, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर।